हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, 21 जून को लगे सूर्य ग्रहण के 14 दिन के बाद फिर से एक ग्रहण की स्थिति बन रही है, जो कि 5 जुलाई को लगने वाला है। और इससे ठीक एक महीने पहले 5 जून को भी चंद्र ग्रहण लगा था। तो दोस्तों, 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और ये जो चंद्र ग्रहण है गुरु पूर्णिमा के पर्व के दिन लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण की टाइमिंग्स और सूतक के बारे में मैं जानकारी दूंगी, साथ ही आपको ये बताऊंगी कि किस राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा कठिनाई भरी स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और साथ ही अगर आपने वन इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो सभी जानकारियाँ मिलती रहे जो जानकारियाँ आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो। और बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चंद्र ग्रहण के बारे में आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसका समय 5 जुलाई की सुबह 8:38 से शुरू हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर 9:59 पर होगा, और इस उपछाया चंद्र ग्रहण का जो समाप्ति समय होगा वो 11:21 पर होगा। तो इस तरीके से टोटल दोस्तों 2 घंटे 43 मिनट का ये ग्रहण रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक उपछाया चंद्र ग्रहण है दोस्तों, इसका सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक नहीं लगता है। तो ऐसी कंडीशन होने पर आप भोजन और पूजा इत्यादि के कार्यों को कर सकते हैं ग्रहण लगने से पहले। ग्रहण में जो सावधानियां रखनी है उनका पालन जरूर करना चाहिए। खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं गर्भावस्था के दौरान क्या क्या नियम गर्भवती महिलाओं को फॉलो करने हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ये वीडियो मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा वो कौन सी राशि पे है। तो धनु राशि में इस बार का ये चंद्र ग्रहण लग रहा है दोस्तों, क्योंकि धनु राशि में 30 जून को देव गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया है, जहां पर कि पहले से ही राहु मौजूद है। तो ग्रहण के दौरान बृहस्पति पर राहु की दृष्टि धनु राशि को प्रभावित करेगी। तो चंद्रमा कमजोर होने से दोस्तों धनु राशि के जातकों का मन अशांत हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, नकारात्मक विचार इन लोगों को घेर सकते हैं। तो इसलिए धनु राशि वाले लोग अपना विशेष ध्यान रखिए, इस अवस्था से बचने की कोशिश करिए, अपने मन को मजबूत करिए, अपने मन को अशांत ना होने दें, नकारात्मक विचार अपने ओर ना आने दें। दोस्तों ग्रहण के दौरान जैसे चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, ऐसे में चंद्रमा का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है उन लोगों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफेद वस्त्रों का दान करें इस दौरान, और भगवान शिव की पूजा करें, और पूर्णिमा को चंद्रमा को जल अर्पित जरूर करें। ऐसा करने से चंद्रमा की अशुभता कम होती है। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।